नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। ये सूत्र उपदेश का नाम है धनंजानी सूत्र। क्या नाम है? धनंजानी सूत्र। धनंजानी सूत्र, धनंजानी एक ब्राह्मण का नाम, धनंजानी। धनंजानी ब्राह्मण को बताया गया सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध राजगीर में वेलवन आश्रम में थे। वेलवन आश्रम किसने बनाया? बिंबिसार राजा ने। वेलवन वो क्या है बिंबिसार राजा का? बगीचा। वो वेलवन बगीचा में क्या था? बांस का पेड़ था। उधर बहुत सारी गिलहरी है, गिलहरी लोगों के लिए एकदम अच्छा जगह था, इसीलिए खालांद को निवास कहता है। खालांद मतलब गिलहरी, निवास मतलब आराम करने का जगह। उस समय अरहन सारे पुत्र बांधते जी बहुत सारे बांधते लोगों के साथ दक्षिणागिरी में यात्रा कर रहे थे। तो उस समय राजगीर में जो वर्षावास बिताए वैसा एक बांधते जी दक्षिणागिरी में जा करके अरहन सारे पुत्र बांधते जी के पास आ गया। आकर के बांधते जी साथ बातचीत करके एक और बैठ गया। बैठने के बाद वो बांते जी से सारपुत्र बांते जी ने पूछा, पुण्यवान बांते जी, तथागत भगवान बुद्ध निरोग से रहता है क्या? निरोग मतलब बिना रोग के, अच्छा से उनको बल है शरीर का? तो बांते जी बताया, बांते जी तथागत भगवान बुद्ध निरोग से ही रहते हैं, उनके पास अच्छे से बल है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर पूछ रहे थे बांते जी, महासंघ बांते लोग निरोग से रहते हैं और अच्छे से बाल से रहते हैं, बाल मतलब क्या है? कोई तकलीफ नहीं है, हेल्दी है, हेल्दी स्वस्थ स्वस्थ रहता है। तो बांते जी बताया, जी बांते जी, बांते लोग भी निरोग है, स्वस्थ है। इसके बाद पूछा बांते जी, यहाँ तांडुल पाल द्वार उसी प्रांत का नाम, उसी जगह उसी एरिया का नाम तांडुल पाल द्वार। तांडुल पाल द्वार प्रदेश में रहने वाले धनंजानी ब्राह्मण है। अभी धनंजानी ब्राह्मण कहाँ रहता है? तांडुल पाल द्वार। कहाँ पे? तांडुल पाल द्वार। वो धनंजानी ब्राह्मण भी निरोग है, स्वस्थ है। बताए बांते जी, धनंजानी ब्राह्मण भी निरोग है, स्वस्थ है। इसका पूछ रहे थे और पूछ रहे थे बांते जी, क्या वो धनंजानी ब्राह्मण अप्रमाद से रहता है? अप्रमाद से मतलब बिना देर हो के धर्म की रास्ता पे रहता है, धर्म से। इसका बताया बांते जी, धनंजानी ब्राह्मण को क्या अप्रमाद? बांते जी, वो धनंजानी ब्राह्मण सरकार का हिम्मत लेकर के ब्राह्मण गृहस्थ लोगों का धन को लूटता है। किसका हिम्मत लेके? सरकार सरकार का हिम्मत लेके।
और ब्राह्मण गृहस्थ लोगों का हिम्मत लेकर के राजाओं का संपत्ति को लूटता है। राजाओं का हिम्मत लेके ब्राह्मण गृहस्थ लोगों का संपत्ति लूटता है तथा ब्राह्मण गृहस्थ लोगों का हिम्मत लेकर के राजाओं का धन संपत्ति को लूटता है। उनके पास एक श्रद्धावान उनके साथ एक श्रद्धावान लड़की का शादी हो गया। श्रद्धावान एक अच्छा परिवार का एक लड़की के साथ शादी हो गया, मगर वो भी मर गई। वो मर गए, लेकिन इसके बाद और एक शादी किया, वो कोई श्रद्धावान है ही नहीं। अब बाद में जो शादी किया वो और श्रद्धावान है ही नहीं। इसके बाद सारपुत्र बंते जी को कौन बोल रहे थे? अब एक बंते जी किन के बारे में? धनंजानी ब्राह्मण के बारे में। ये धनंजानी ब्राह्मण सारपुत्र बंते जी के दोस्त थे, इसीलिए पूछ रहे। वो बंते जी बोल रहे थे, सारपुत्र बंते जी बोल रहे थे, जो प्रमाद से रहने वाले देर होते हुए रहने वाले धनंजानी ब्राह्मण के बारे में जो कुछ सुन लिया वो कोई कल्याण की बात नहीं, एकदम गलत बात सुन लिया उनके बारे में। पुण्यवान बनते जी सचमुच उनके बारे में सही नहीं सुने हम लोग, अफसोस है। इसलिए हम को लगता है एक दिन धनंजानी ब्राह्मण के साथ मिलना चाहिए जाके, मिलके बातचीत करेगा तो अच्छा है। तो सारपुत्र बंते जी दक्षिणागिरी में कुछ समय तक रह के फिर वापस राजगिरी में चले गए। इसके बाद राजगिरी में आकर के वेलवन आश्रम में सारपुत्र बंते जी थे। उस दिन सुबह अरहंत सारपुत्र बंते जी भोजन के लिए पात्र चीर लेकर के आश्रम से निकल पड़ा। सुबह है ना, उसी समय धनंजानी ब्राह्मण शहर से बाहर एक गाय का झुंड गाय का गोशाला में दूध गार रहा था। कौन? धनंजानी ब्राह्मण। अरहंत सारपुत्र बंते जी भोजन करके पिंडपात में जा करके उस धनंजानी ब्राह्मण के पास आ गया। दूर से ही ब्राह्मण ने सारपुत्र बंते जी को देख लिया। देखने के बाद तुरंत उन बंते जी के पास आ गया, आकर के बताया, पुण्यवान सारपुत्र बंते जी ये गरम गरम दूध पी लीजिए, अभी और आपके पास टाइम तो है, इसलिए गरम गरम दूध पी लीजिए। इसका तो बांते जी बताया, छोड़ दीजिए ब्राह्मण, आज हम भोजन करना खत्म कर दिया, मेरा भोजन आज खत्म हो गया। हम उसी जगह पे एक पेड़ है ना, उसी पेड़ में हम आराम करेंगे, आपके काम खत्म करके वहां पे आइए। इसके बाद सारपुत्र बंते जी बुलाया पेड़ के पास आने के लिए, तो ठीक है बंते जी हम आएंगे। तो धनंजानी ब्राह्मण सुबह नाश्ता करके सारपुत्र बंते जी के पास गया, जाकर के बातचीत करके बैठ गया। बैठने के बाद सारपुत्र बंते जी पूछा, क्या पुण्यवान धनंजानी अप्रमादी है क्या? अप्रमादी से रहता है ना? बताया सारपुत्र बंते जी, हम लोगों को अप्रमाद कहा, हम लोग को माँ पिताजी पोषण करना चाहते,
हम माता पिताजी को पोषण करना चाहते हैं, बाल बच्चे को पालना पोषना चाहते हैं, दासी नौकर लोगों को पोषण करना पड़ता है और निर्दोष लोगों का बहुत सारा काम है ना, रिश्तेदार लोगों को बहुत सारे काम है, आगंतुक मेहमान लोगों का काम है, कोई रिश्तेदार मर गया तो जो मारे हुए लोगों के लिए भी कुछ काम है, देवताओं के लिए भी कुछ काम है, महाराज महाराजा सरकार के लिए भी काम है, तथा ये अपना शरीर भी, शरीर को भी कुछ मजा देना चाहिए ना, ऐसा भी काम है। तो हम लोग कैसे हम लोग अप्रमाद हो जाएंगे, इतना सारे काम है। बताया ठीक है धनंजय, आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना माँ एवं पिताजी के चलते अधर्मचारी होगा तो, विषमचारी होगा तो, अधर्मचारी मतलब पाप अधर्म जानते हैं ना, अधर्म आचरण होगा तो मम्मी पापा के पोषण करने के चलते, विषमचारी मतलब क्रोध गुस्सा नफरत करेगा तो मम्मी पापा के चलते, तो वो ऐसा अधर्मचारी और विषमचारी होने के कारण वो मारते समय यमदूत लोग नरक में उसको लेके जा रहा है, लेके जाते समय अगर बताएंगे तो अरे हम ये अधर्मचारी विषमचारी इसीलिए हुए हैं कि अपने माँ पिताजी के चलते उन लोगों का कल्याण करने के चलते हम ऐसे हो गए, तो इसीलिए यमदूत हमको मत लेके जाओ, ऐसे बोल दिया तो बच पाएगा, नहीं बच सकता है, तथा ये कारण कभी उसको नहीं मिल जाता है। कौन सा कारण, ये हम अधर्मचारी तथा विषमचारी ये दोनों मेरे माँ पिताजी के लिए हम किए हैं, ऐसा करे कि किसी को कभी बच नहीं सकता है। ऐसे बच सकता है क्या, ऐसे पूछे धनंजय ने ब्राह्मण ने बताया नहीं बनते जी, नहीं बच सकता है, मगर वो रोते रोते रहते समय यमदूत लोग उसको नरक में लेके जाता है। इसका पूछा पुण्यवान धनंजयानी, आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई अपना बाल बच्चा ने अपना पत्नी बाल बच्चे के चलते, अपना फैमिली के चलते कोई व्यक्ति अधर्मचारी होता है या तो फिर विषमचारी होता है। अधर्मचारी मतलब क्या है, शरीर मन से जो करता है पाप वो अधर्म है, विषमचारी मतलब जो मन से होता है क्रोध लोभ ये सारी गंदगी। विषमचारी अधर्मचारी हो गया तो अपना फैमिली के चलते परिवार के चलते वो मारते समय जरूर नरक में यमदूत लोग उसको खींच कर लेके जाते हैं। उस समय अगर बोलेंगे तो अरे यमदूत यमदूत जी कृपा करके सुनिए ना, हम नरक में मत लेके जाइए क्योंकि हम मेरे ये सब हम किए मेरे परिवार के चलते हम किए हैं, इसलिए हमको मत लेके जाइए। ऐसे बोलने पर उसको बच सकता है। इसके बाद बताया पुण्यवान धनंजय, आप क्या सोचते हैं, यहाँ कोई नौकर दास लोगों के चलते अधर्मचारी विषमचारी हो गया तो उसी के कारण वो जरूर नरक में तो जाएगा, मगर अरे हम इसे अधर्मचारी विषमचारी इसीलिए हुए कि मेरे नौकर लोगों का कल्याण के लिए, ऐसे बोल के उससे नरक से बच सकता है। यमदूत को यमराज लोगों को बता करके अरे हमको बचे इसीलिए हम इसे किया, ऐसे करके उसको नरक से बच सकता है, नहीं बच सकता है। वो रोते रोते रहते समय नरक में ले जाता है। वैसे ही है
दोस्त लोगों के चलते जो कोई अधर्मचारी हो गया तो इसमें चारी हो गया, तो ये होता है ना दोस्त लोगों के चलते, दोस्त लोग उधर थोड़ा घुमाना चाहिए, कोई कोई अपना फैमिली के चलते अधर्मचारी होता है। हम फैमिली को चलाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठ बोल के ऐसे पैसा नहीं कमाएंगे तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा, ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं। और कहता है अगर मेरा दोस्त लोगों को बात मानना पड़ेगा, समाज में रहना चाहिए ना, हम लोग समाज में रहते समय उन लोग का मान लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में हम लोग प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई मदद नहीं करेगा, इसीलिए हम भी दोस्त लोगों को मदद करना चाहिए। ऐसे बोल के लोग मूर्ख लोग दोस्त लोगों के चलते पाप करता है, लेकिन अंत में जो किया हुआ पाप दोस्त लोग ने खुद को उठा के जाना पड़ता है, दोस्त लोग का अपना अपना पाप खुद उठा के जाना पड़ता है। समझ गया ना, नरक से नहीं बच सकता, रोते रोते रहते समय वो उसको नरक में गिरा देता है। इसके बाद बताया कोई रिश्तेदार लोगों के चलते कोई अधर्मचारी शर्मचारी हो गया, जिसके बाद आगंतुक लोगों के चलते अधर्मचारी शर्मचारी हो गया, तो आगंतुक चलते मतलब कोई आगंतुक आ गया घर पे आने के बाद, चलिए हम इनको आज मजा दे लाएंगे, पूरा इधर उधर घुमा घुमा के, या तो फिर आज इन लोग के लिए हम मुर्गा काटेंगे, नहीं तो अच्छे नहीं लगते हैं, आगंतुक नहीं माने, आज इसको हम लोग जुड़वा जुलाएंगे, ऐसे करेंगे, या तो उसके चलते झूठ बोलता है, इधर बहुत दूर से आया आगंतुक, या तो फिर अपना रिश्तेदार लोग के चलते पाप करना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, कहीं जा करके कुछ ले रहा है, लेते समय अच्छे से नहीं देता है, तो जो लड़ाई करके झगड़ा करके हमारे रिश्तेदार है यहाँ से आ गए, ऐसे करके ऐसा पाप करके अंत में जाते समय कह सकते हम ये पाप मेरे आगंतुक मेहमान लोगों के कल्याण के लिए किया, मेरा रिश्तेदार लोग के लिए किया है, ऐसे करके नरक से बच सकते किसी को नहीं बच सकता है। तो और बताएं जो मर जाते हैं लोग, अपने मरे हुए लोगों के चलते जो कोई अधर्मचारी विषमचारी हो गया तो मरे हुए लोगों के चलते उन लोग को बच सकता है क्या? नहीं बच सकता है। इसके बाद बताएं देवताओं के चलते कोई कोई अधर्मचारी विषमचारी होता है, इसके बाद देवताओं के चलते अधर्मचारी विषमचारी होता है मतलब बाली चढ़ाता है उन लोग ना, कभी कभी कोई कोई देवताओं को पूजा उजा करके कितना पाप करता है ना देवताओं के नाम लेकर के, और देवताओं के लिए कोई डांट दिया तो वो पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा हिंदू मुस्लिम लड़ाई अधर्मचारी से आयोजन पूरा ब्रह्मांड का देवलोक में भी है हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम जन्म लेके नहीं, यानी कि छोटा मोटा देवता जाने के बाद उन लोग हिंदू मुस्लिम बन जाता है, सही में होता है ऐसा, कि उधर भी झगड़ा मैं देवता ऐसे करके फेंक देता उन लोग। इसीलिए ऐसे हो गया तो कह सकता है क्या हम लोग देवताओं के साथ हुआ है बच सकते ना रखते? नहीं बच सकते। इस बात बोल रहे हैं जो कोई कोई लोग देश का राजा के चलते अधर्मचारी विषमचारी होता है, या तो फिर और लोग अपना शरीर को सुंदर बनाने के लिए पाप करता है अधर्मचारी विषमचारी होता है, ऐसे होने पर या तो फिर हाँ ऐसे होने पर उसको नरक से जाना बचा सकते किसी को? नहीं बचा सकता। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सारपुत्र बंते जी ने बताया सुंदर एक बात, इसका उल्टा जो कोई माँ पिताजी के चलते एक आदमी अधर्मचारी विषमचारी होता है, और एक आदमी धर्मचारी समचारी होता है, समचारी मतलब कोई फर्क नहीं, क्रोध गंदगी नहीं है, धर्मचारी मतलब धर्म की आचरण हो गया तो मम्मी पापा के चलते, वो दोनों में से कौन उत्तम श्रेष्ठ है? जो धर्मचारी समचारी होता है वही
इसका मतलब धनंजानी जो कोई नौकरी करता है उसी नौकरी से माँ पिताजी को पाल सकता है, पोस सकता है तथा बिना पाप के रह सकता है, पुण्य रास्ता पे आ सकता है। उसी प्रकार कई प्रकार की धार्मिक कक्षा है संसार में, है ना? ऐसा हरे बहुत सारे नौकरी धार्मिक है लेकिन लोग करते नहीं। इस बात बताया अपना फैमिली के चलते कोई अधर्मचारी विषमचारी होता है, कोई धर्मचारी समचारी होता है, दोनों से कौन क्या श्रेष्ठ होता है? धर्मचारी और समचारी। धनंजानी जो कुछ नौकरी से अपना बाल बच्चा कभी पाल के पोस के रह पाएगा तो वो ऐसा पुण्य रास्ता पे आ सकेगा, तो उसी प्रकार सुंदर नौकरी है दुनिया में। वो ऐसा सब चीज के बारे में पूछ के गया किसके बारे में, फिर अपना नौकर लोगों के चलते अधार्मिक विषमचारी हो गया तो अच्छा है, या तो फिर धार्मिक समचारी हो गया तो अच्छा है, और अपना दोस्त लोगों के चलते, रिश्तेदार लोग के चलते, इसके बाद आगंतुक मेहमान लोग के चलते, मरे हुए लोगों के चलते, देवताओं के चलते, जो कोई इसका राजा के चलते, इसका अपना शरीर के चलते, जो कोई अधर्मचारी होता है या तो फिर विषमचारी होता है या तो फिर धर्मचारी समचारी, दोनों में से क्या श्रेष्ठ होता है? धर्मचारी और समचारी। ऐसा हो गया तो ऐसा धार्मिक से पैसा धन संपत्ति कमा के धार्मिक से रहे, धार्मिक से सब कर सकता है बिना लोग क्रोध मोह से। ऐसे करके इसी प्रकार करना चाहिए, ऐसे बोल के बोलने की बात धनंजानी ब्राह्मण अरहंसार बनते जी का भाषण को बहुत खुशी मन से स्वीकार किया, अनुमोदन हो गया, इस बात उसकी नमन करके। कुछ समय के बाद धनंजानी ब्राह्मण बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, गहरा बीमार में आ गया, दुख हो गया। इसके बाद धनंजानी ब्राह्मण एक आदमी को बुला के बताया, इधर आई आप भगवान बुद्ध के पास जा करके मेरे वचन से भगवान बुद्ध का चरण को नमन कीजिए, आपको तथागत आपको धनंजानी ब्राह्मण नमन करता है। इसके बाद आप सारपुत्र मंत्री जी पास भी जा करके नमन कीजिए, नमन करके बताए सारपुत्र मंत्री जी को दया करके धनंजानी ब्राह्मण का घर पे आने के लिए, बहुत बीमार है। ऐसे बोलने के बाद वो आदमी वैसे ही किया। इसके बाद सारिपुत्र बनते जी धनंजानी ब्राह्मण का घर में आ गया, आकर के पूछा ब्राह्मण क्या सहन बर्दाश्त कर सकता है, खाना अच्छे से खाता है, क्या दर्द तकलीफ वेदना कम हो रहा है बढ़ रहा है, दुख कम रहा है बढ़ रहा है? बतने आ रही सारिपुत्र बनते जी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे खाना पीना कुछ नहीं खा सकता है, मेरा शरीर का दुख धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं रहा है। सारिपुत्र बनते जी बहुत मजबूत एक आदमी एकदम मीन बड़ा चाकू ले तलवार लेकर के मेरा सिर पे जोर से मारता है, जैसा लग रहा है मेरा शरीर का हवा के चलते बहुत तकलीफ, मेरा सिर पे लगता कुछ अंदर लड़ाई चलता है, बांते मुझे सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुख धीरे धीरे बढ़ रहा है, कमी नहीं रहा है, ये सत्य है। हम लोग बूढ़ा होंगे ना, धीरे धीरे बड़ा होते समय याद रखिए
हम लोग उम्र 20 तक चलेगा, 20 तक हम लोगों का नॉर्मली दौड़ फोड़ रह सकता है, 20 के बाद हम लोग का उम्र, हम लोग का शरीर सिर धीरे धीरे उल्टा तरफ जा रहा है, नॉर्मली 20-22 तक रहता है वर्तमान के हिसाब से। इसके बाद अंतिम समय में हम लोग का शरीर कमजोर है, नस काम नहीं करता है, हम लोग का वो डाइजेस्ट सब प्रॉब्लम है, फिर आप पचता नहीं अच्छे से, खाना नहीं खा सकता है, दवा से जीवन बिताना पड़ता है, बैठ के नहीं रह सकता है दुखता है पूरा, उठ के नहीं रहता है दुखता है पूरा, खड़ा नहीं रहता हिलता है शरीर, लाठी लेके नहीं जा सकता है, कोई ऐसे करके नहीं देख सकते गर्दन दुखता है, ऐसे नहीं करके नहीं देखते गर्दन दुखता है। इसके बाद सो नहीं सकते, नींद अच्छे से नहीं आता है, इसके बाद पेखाना करने जाकर उधर तकलीफ है, खाना खाने गया तो कान अंदर नहीं जाता, जाने के बाद अंदर परेशान कर देता है, इसका सिर दर्द आता है, तो कभी ठीक होता ही नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, पेट दर्द आता है, हवा का प्रॉब्लम आता है, घुटनी दर्द आता है, ये इधर उधर बहुत परेशान, इतना दुख है, ये साथ बोल दिया ना आराम महाकाश से बांधते जी बात है ना इतनी ओ सूत्र में महाकाश पत्रबोजंग सूत्र में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सारे लोगों का एक पब्लिक बात, नॉर्मल बात, इसलिए मरते समय बहुत सारे लोग नरक में इसीलिए जाते हैं, नरक में जानवर भूत प्रेत इसीलिए जाते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा मोटा पुण्य कर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, गुस्सा करता है, हमको कोई नहीं बचाता है, वो फैन लगे इधर फैन इधर फैन फैन के चलते हमको परेशानी से आता है, मन जैसे बार बार देता है, इधर उधर और क्रोध हो जाता है, क्रोध होने के कारण और गंदगी बढ़ता है। इसीलिए अभी आप लोग ध्यान में बैठता है ना, अभी बैठना चाहिए, अभी आप लोग ध्यान में बैठ के समाधि पाएंगे तो आप लोग धारण को अपने से देखने के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो बुढ़ापा में वही आप लोग सहायता करेगा, नहीं तो कोई सुरक्षा नहीं। देखिए अभी कितना दुख बोल रहा है, अच्छा वो इनको सारे बुद्ध बांधते जी मेरे, हम लोग इसके बाद और इसके बाद बताया बंते जी बहुत ताकत और एक आदमी आकर के रस्सी लेके मेरा सिर को पूरा लपेट के पूरा ऐसे करके ऐसा जैसा दुखता है, ये सिर का दर्द और बढ़ रहा है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खाना खाने का मन नहीं, दुख दर्द बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं हो रहा है। इसके बाद बता रहे बहुत सारे पुत्र बनते जी, गाय को मारने वाले कोई आदमी है, वो तलवार लेकर के गाय का पेट ऐसे ऐसे करके पूरा काट के हटाता है, पूरा छोटा 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 करके पीस पीस करता है ना, बताए उसी प्रकार मेरा पेट दर्द है, उसी प्रकार मेरा पेट दुखता है। हम लोग को ये अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा दर्द मिला नहीं कभी। एक एग्जांपल आपको हम बताएंगे, बर्फ ऐसा है, स्नो ऐसे गिरता है, आप लोग अगर टीवी में देख लिया, अगर टीवी में नहीं देखा तो मम्मी कैसे आता होगा, वो बर्फ गिरता है ना ठा 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 वही याद आता है, फिर कभी कभी स्नो गिरता है डस्ट जैसा, हवा से पूरा उड़ता है धूल जैसा, तो मन में आता है इधर का धूल सा पूरा, ये सब गंदा हो जाएगा, ये सब गंदा होगा, ऐसा मन में आता है, क्यों देखा नहीं है ना, इसलिए ये दर्द वेदना अभी देखा नहीं अभी तक महसूस नहीं हुआ, इसीलिए नॉर्मल है ये बात। इसीलिए आप लोग क्या करें, इसलिए श्रद्धा चाहिए, क्यों श्रद्धा चाहिए, ये सत्य है, ये जो कुछ सत्य पक्का सही है, हमें समझ में नहीं आता है वो अलग बात, लेकिन ये सत्य है, हमको भी ऐसे ही होता है, वैसा आप लोग विश्वास करिए मैं उपदेश पर। इसके बाद बताया एक बहुत तेज एक आदमी, वो आदमी कमजोर आदमी को ले जाकर के पूरा आग का जाने वाले आग का एक गड्ढा है ना, गड्ढा उस पे गिरा देना, गिराने का कैसा शरीर लहरता है, वैसा पूरा शरीर मेरा लहरता है अंदर,
अभी हम लोग क्यों नहीं महसूस होते, बच्चे हैं हम लोग, जवान हैं आप लोग, बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग को महसूस नहीं आता है इसका। अभी आप लोग मंपल उसी रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग मंपल कहते हैं ऐसा ऐसा दर्द है, हम लोग सोचते हैं थोड़ा मोटा सिर दर्द में मुझे आता है, ऐसा आता होगा। देखिए कितना सारे बड़े लोग की इधर आता है लाइन लगा के, अगर हम आपका घर पर रोचन जाकर पूछा किसको, हमको ये बीमार, हमको ये, हमको ये, हमको ये, सभी को बता दें, ऐसे बताया, बताने के बाद सार पे तो बनते जी बताया। अच्छा अच्छा धनंजान जी बताइए, आप क्या सोचता है, क्या श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है, नरक अच्छा है या तो फिर जान और जन्म अच्छा है? इसके बाद बताया सारभूत बांसे जी, नरक से ज्यादा तो जान और जन्म अच्छा है। अच्छा आप क्या सोचते हैं, जान और जन्म अच्छा है या प्रेत जन्म अच्छा है? बांसे जी जान और जन्म से ज्यादा प्रेत जन्म अच्छा है। इसके बाद बताया तो जन्म धनम जानी जी बताइए, प्रेत जन्म अच्छा है तो फिर मानव जन्म अच्छा है? बताया बांते जी प्रेत जन्म से ज्यादा मानव जन्म अच्छा है। इसके बाद बताया तो बताए धनंजान जी, मानव जन्म अच्छा है या तो फिर चातु महाराज के देवलोक श्रेष्ठ है? बांते चातु महाराज के देवलोक बहुत श्रेष्ठ है, चातु महाराज के देवलोक श्रेष्ठ है या तो फिर तावती से देवलोक श्रेष्ठ, तावती से देवलोक श्रेष्ठ है, तावती से देवलोक श्रेष्ठ है या तो फिर तुषित देवलोक श्रेष्ठ है? बांते तुषित देवलोक श्रेष्ठ है, तुषित देवलोक श्रेष्ठ या तो फिर निम्नानति देवलोक श्रेष्ठ है? बांते जी निम्नानति देवलोक श्रेष्ठ है। इसके बाद पूछे ब्राह्मण जानी ब्राह्मण जी, निम्नानति देवलोक श्रेष्ठ है या तो फिर परिनिमित वसवाति देवलोक श्रेष्ठ है? बांते जी परिनिमित वसवाति देवलोक श्रेष्ठ है। इसके बाद पूछे पुण्यवान धनंजानी, आप क्या सोचते हैं, परिनिमित वसवार्थी श्रेष्ठ है या तो फिर ब्राह्मणों श्रेष्ठ है? बांते जी परिनिमित वसवार्थी देवलोक से ज्यादा ब्राह्मणों श्रेष्ठ है। इस बार बांते जी का मन में से आ गया, ये ब्राह्मण लोग ब्राह्मणलोक में जन्म लेने पसंद करते हैं, इसीलिए ये धनंजानी ब्राह्मण को ब्राह्मणलोक में जन्म लेने का मार्ग हम दिखाएंगे। ऐसे करके पूछा धनंजानी ब्राह्मण, आप ब्राह्मणलोक में जो जन्म लेना चाहते वैसा वो जो मार्ग है वो मार्ग हम बता देंगे, ध्यान से सुनिए मनन कीजिए हम बता देंगे। बताया पुण्यवान धनंजानी, ये ब्रह्मलोक में जन्म लेने के लिए क्या मार्ग है? धनंजानी यहाँ मैत्री मन से एक दिशा पे मैत्री करता है, करते रहता है, इसका दूसरी दिशा पे, तीसरी दिशा पे, चौथी दिशा पे, इसके बाद ऊपर नीचे तीर्थ हर जगह पे सभी लोगों को बिना वायर के बिना पीड़ा के एकदम फैला हुआ महान हुआ अप्रमाण मैत्री ध्यान करके, इसका मतलब मैत्री ध्यान करता है हर एक दिशा को। ये मैत्री दो प्रकार के है ना, कैसे यहाँ इस बार गांव प्रदेश इसके बाद पूरा दुनिया, और एक है उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब ऊपर नीचे वो दोनों। इसके बाद बताया धनंजानी और एक हम बता दें, करुणा मन से रहना चाहिए। करुणा ध्यान मतलब क्या है, सभी लोग निदुख हो निरोग हो सुखी हो दुख से मुक्त हो, ये करुणा ध्यान। इसके बाद मुदिता ध्यान भी वैसा करना चाहिए। मुदिता ध्यान क्या है, सभी लोग आयु से बढ़ जाए, वर्ण से बढ़ जाए, सुख मिले सबको, सुखी हो बहुत बलवान हो, यश कीर्ति प्राप्त हो सबको, ये मुदिता ध्यान। इधर उपेक्षा ध्यान करना चाहिए, जो कोई कर्म करते उसी के अनुसार सबको फल मिलता है, क्योंकि कभी कभी किसी को दुख मिलता असाधारण होता है, वो देख के हम लोग को उपेक्षा होना पड़ता है ना, कभी कभी
ऐसा किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा सबको बराबर उपेक्षा ध्यान करता है हर दिशा में। ये है ब्राह्मणों में जन्म लेने का मार्ग। इसके बाद धनंजय ने ब्राह्मण बता मेरे नाम से तथागत भगवान बुद्ध नमन कीजिए। ऐसे करके धनंजय ने ब्राह्मण को और आगे बढ़ा सकता था मन। ऐसे होने पर भी अरा सार्वत बनते जी वो धनंजय ने ब्राह्मण नीच ब्राह्मलोक में मन लगा के उठ के आ गया। इंद्रिय परोपर्यत ज्ञान भगवान बुद्ध के पास है ना, शिष्यों के पास नहीं। इसके बाद कुछ समय में धनंजय ने ब्राह्मण मार के ब्राह्मलोक में जन्म लिया। इसका मतलब देखिए कुछ समय का बात है ना, धनंजय ने ब्राह्मण एक लूट के फूट के रहता था पहले, पाप कर रहा था। फिर धनंजय ने ब्राह्मण बंते जी से प्रवचन सुनने के बाद प्रसन्न हो गया। पहले भी भगवान के शरण गया होगा लेकिन इसके बाद ये प्रवचन सुनने के बाद प्रसन्न हो गया, लेकिन रास्ता में आ गया कब, मारते समय। इसका मतलब ये धर्म सांदिप्ति इसी जीवन में फल मिलता है। देखिए धर्म का फल आश्चर्य, प्रसन्न हो जाए आपके धर्म। भगवान बुद्ध के पास आ गया सारे बांसे जी। आने के बाद भगवान बुद्ध को नमन करके बैठ गया। बैठ के बताया अभी धनंजय ने ब्राह्मण बहुत दुख से है, तकलीफ में आपको नमन करते हैं। इसके बाद बताया क्या सारे बुद्ध और धनंजय ने ब्राह्मण को और बड़ा सकता था मन। ऐसे होने पर भी आप धनंजय ने ब्राह्मण को नीच ब्रह्मलोक में मन लगा के उठ के आ गया है। इसका भगवान बुद्ध बताया लेकिन तथागत हम सोचे कि ब्राह्मण लोग ब्रह्मलोक में जन्म लेने क्या पसंद है, इसलिए हम सोचा कि इसको ब्रह्मलोक में जन्म लेने का मार्ग बता दें। पता सारे बुद्ध अभी वो मर गया, ब्रह्म लोग में जन्म लिया है। इसीलिए इससे हम लोग सीखना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं इसमें सीखने के लिए हम लोग को, है ना। ये धर्म सांदिप्ति कहें, ये धर्म एक नॉलेज को बढ़ाने का नहीं, एक गुणधर्म बढ़ाने का है। थोड़ा थोड़ा भी आप लोग कोशिश करिए, बहुत ईमानदार हो जाए, घमंड मत हो जाए और मिल के रही सभी लोग। मिल के मतलब मजाक उजाक और एक दूसरे को सहायता करिए, मैत्री मन और खुशी मन से रहिए, हमेशा खुशी मन से खुशहाल ही रहिए। मर गया जैसा ऐसे ऐसे मत रहिए, हंसते रहिए, खुशी से रहिए, ऐसे रहें।